हेलो एवरीवन, दिस इज भारती फ्रॉम क्रिकप्लेक्स और इस वक्त मैं आपसे बात करने जा रही हूँ श्रीलंका वर्सेस इंडिया के ओडीआई सीरीज की, जिसमें इस वक्त इंडिया 2-0 से आगे चल रही है और ऑफकोर्स ये सीरीज अब उसने अपने नाम कर ही ली है। लेकिन अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका को सिर्फ इज्जत वाली बात नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, सुपर लीग में भी उन्हें अपने रन्स चाहिए ही चाहिए। तो शायद हो सकता है कि थर्ड ओडीआई मैच में वो जोरों शोरों से उभर कर बाहर आने की कोशिश करे। वैसे जब कोशिश की बात आई है तो आपको बता देती हूँ कि इंडिया भी पीछे नहीं हटने वाली। इंडिया भी थर्ड मैच में भले ही सीरीज अपने नाम कर लिया उसने, लेकिन फिर भी थर्ड मैच में भी वो अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से इनपुट देने ही वाली है। मूविंग ऑन टू द थर्ड ओडीआई मैच ऑफ श्रीलंका वर्सेज इंडिया, ये होने वाला है 23 जुलाई 2021 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। अब अगर बात की जाए प्रीव्यू की, थर्ड ओडीआई मैच कैसा हो सकता है, इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्टेडियम के पिच के बारे में। तो ये पिच वैसे काफी ज्यादा स्पिनर्स के लिए अच्छा साबित होता है, काफी स्पिन फ्रेंडली पिच ये माना जाता है और इसी के साथ काफी स्लो भी माना जाता है, जिसकी वजह से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल जाती है यहाँ अपने बॉलिंग स्टाइल में। बाकी इसी के साथ एक और बात आपको बता देते हैं कि इस पिच पर अभी तक साल 2010 से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 37 ओडीआई मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से एवरेज स्कोर जो रहा है वो रहा है 262 रनों का। नॉट जस्ट दिस, इस पिच पर जिसने भी चेज किया है रन को, यानी कि जिस भी टीम ने बाद में बल्लेबाजी की है, उनमें से 19 बार वो टीम जीती है, 16 बार टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है उस टीम को जिसने रन चेस किए हैं, और इसी के साथ 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं रहा। आगे बढ़ते हुए प्रीव्यू की बात चल रही है तो ऑफकोर्स प्लेइंग 11 की बात करना बहुत जरूरी है। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो हमने श्रीलंका की टीम में लास्ट मैच में कुछ चेंजेस देखे थे, जिससे नो डाउट फर्स्ट ओडीआई से लेकर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सेकंड में उनकी परफॉर्मेंस बेटर थी। इंडिया के गेंदबाजों ने बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाली थी। अगर बात की जाए फर्स्ट ओडीआई की, तो फर्स्ट ओडीआई मैच पे इंडिया की तरफ से पृथ्वी शॉ और हमारे कैप्टन ओडीआई सीरीज को इस वक्त जो लीड कर रहे हैं शिखर धवन, ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। और अगर बात की जाए सेकेंड ओडीआई मैच की, तो उसमें भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और ये दीपक चाहर को पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली थी, अपॉर्चुनिटी तो क्या, उनको एक्चुअली पहली बार मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था। मूविंग ऑन टू द प्लेइंग 11 ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो नंबर 1 पे आते हैं शिखर धवन, द कैप्टन ऑफ द टीम, जो टीम को लीड कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं पृथ्वी शॉ, जिनका फर्स्ट ओडीआई में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आते हैं ईशान किशन, और फिर आते हैं मनीष पांडे। अगर मनीष पांडे की बात की जाए तो थोड़ा सा लक जो है इनका इस वक्त शायद साथ नहीं दे रहा है, T20 में परफॉर्मेंस इतने अच्छे से ना करने की वजह से, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कम मिलने की वजह से उन्हें T20 से बाहर निकाला गया। और जब बात आई कल के ओडीआई मैच की, तो अनलकी तरीके से ट्रिगर आउट वो हो गए थे, जिसको ऑफकोर्स उन्होंने काफी रिग्रेट भी किया, पर कोई बात नहीं, हार्ड लक चल रहा है इस वक्त उनका। और आगे बढ़ते हुए इसके बाद मनीष पांडे के बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ओडीआई मैचेस में, और लास्ट ओडीआई मैच में, सेकंड ओडीआई मैच में उन्होंने अपनी 50 भी स्कोर की थी। आगे बढ़ते हुए इसके बाद आते हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और फिर आते हैं कृणाल पांड्या। इसके बाद आते हैं दीपक चाहर, जो कि गजब की स्विंग गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद आते हैं उप कप्तान टीम के, जो कि हैं भुवनेश्वर कुमार, और फिर आते हैं कुलदीप यादव की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट ओडीआई मैच में उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, लेकिन सेकंड ओडीआई मैच में वो 1 भी विकेट नहीं ले पाए। तो अगर देखा जाए टेक्निकली, तो शायद से प्लेइंग 11 में इस बारी कोई चेंजेस नहीं होने वाले थर्ड मैच में। अगर चेंजेस होते भी हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुलदीप यादव की जगह पर वरुण चक्रवर्ती या फिर राहुल चहल को देखने का मौका मिल सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आप थर्ड मैच में किसी और खिलाड़ी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यहाँ हमारे साथ, ओनली ऑन क्रिकप्लेक्स। क्रिकेट और म्यूजिक का संगम, ये है क्रिकप्लेक्स, आज के जमाने का रेडियो। क्रिकप्लेक्स, क्रिकेट का नया दौर।